तो ये प्रोजेक्ट जैसे शुरू किया था हमने, शुरुआत पे इनिशियल स्टेज पे था, फिर धीरे धीरे हम इसमें ऐड ऑन करते गए, न्यू ट्रेडिशन, न्यू पैटर्न्स, गाने का तरीका, ये सब काफ़ी कुछ हम लोग ऐड करते गए और इस तरह से ये गाना कंप्लीट हुआ। उसके बाद मिक्सिंग में भी हमने गाने में काफ़ी काम किया है, काफ़ी बार इसको हमने चेंज किया है गाने के हिसाब से, जो तोसीफ और सर ने किया है। तोसीफ ने मिक्सिंग किया है। सो गाना ऑल ओवर एक अच्छा ट्रेंड लेके बाहर आ रहा है। और बात रही बात पंजाबी की, तो फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी म्यूजिक जो है उसने काफ़ी अपना सारा योगदान दिया हुआ है। सो आप कोई भी लैंग्वेज में जाओ, आप इंग्लिश गाने में भी पंजाबी दिखेगा आपको, गुजराती में भी पंजाबी शब्द दिखेंगे आपको, कोई भी लैंग्वेज में आपको पंजाबी दिखेगा, क्योंकि पंजाबी का जो म्यूज़िक है ना वो एकदम आदमी को नचाने वाला है। और आज के टाइम में जब हम इतने स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, 2 साल से हम लोग इतने स्ट्रेस से गुजर चुके हैं, तो उसको निकालने के लिए ऐसी कुछ चीज़ चाहिए थी जो आदमी को वापस फ्लोर पर लाए। और इस तरह से हमने इस गाने को कंप्लीट किया है और ये गाना आप सबको बहुत पसंद आएगा। पूजा जी ने बहुत अच्छा गाया इस पे, आई एम श्योर। फिलहाल तो मैंने दूसरा गाना भी रिकॉर्ड किया है आयुष के साथ। आयुष, सो वी हैव रिकॉर्डेड अ सेकंड सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुल नंबर। एक लाइन गाएंगे दिलबरा। अभी एक दिन भी नहीं हुआ, 1920 के व्यूज हो चुके हैं, few hours rather, and I'm very excited. We both are very excited. इन्होंने music दिया है, मैंने इसको loves दिए हैं और आवाज़ भी दी है। It's a very peppy song, बहुत अच्छा लगता है सुनने को, wedding गाना है। It's not only at weddings, party पर भी आप बजा सकते हो। ऐसा high vibe गाना है जिसमें कोई भी उदास हो तो 2 मिनट सुन के नाचने लगेगा। तो this is the reason I wrote this song also with that vibe. जी आई फील एक पंजाबी म्यूज़िक एक ही है जो हर गाने, चाहे आप गुजराती हो, चाहे आप महाराष्ट्र से हो या आप साउथ इंडियन हो, वो बचता ही बचता है। एंड बीइंग अ पंजाबी आई थिंक दैट कम्स टू बी नेचुरली। क्या आपका क्वेश्चन और क्या बोल रहे थे आप? हाँ यस, तो हमारा आई हैव माई ओन म्यूजिक रिकॉर्ड्स, यूनिकॉर्न म्यूजिक लेबल जो अभी लॉन्च किया है, वो सिर्फ उस पर नहीं, सावन, विंग, स्पॉटिफाई, 300 प्लेटफॉर्म्स पे, यूके, लंदन, कनाडा, हर जगह है। इट्स आईफोन, आई मीन इट्स द लिस्ट गोज ऑन, सो यू कैन हियर इट एवरीवेयर, यूट्यूब, आई मीन इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। ये प्रोजेक्ट हमने जब शुरू किया था तो हमको लग नहीं रहा था कि इतने बड़े लेवल पे ये पहुंचेगा, लेकिन सॉरी मैं बूंद सी मस्तियां जाले चुरा, उड़ चल बहकती फिजा सी ऊंचा है ये आसमान। अ लवली सॉन्ग, इट्स हाई वाइबिंग सॉन्ग एंड वी गोना शूट इट प्रीटी सून। यप, और बहुत सारे गाने आने हैं। यस, It's all Unicorn Music Records and all the very best and congratulations to Tak Takni. बहुत ही अच्छा गाना है, मैंने बहुत पहले ही सुना था। It's rocking and हमारा भी आने वाला है दिलबरा very very soon. Yes. So very very excited and God bless. Yes. But हाँ, जैसे ही साइन होगा मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोग। और यूनिकॉर्न की अगर बात करें, ये म्यूज़िक लेबल है जो इन्होंने बात की सबसे पहले कि आज जब तक अपना टैलेंट आप खुद नहीं बताओगे बाहर, तब तक कोई सुनेगा नहीं। इतने बड़े बड़े लोग इंडस्ट्री में जमे हुए हैं और इतना टैलेंट है कि आज किस टैलेंट को बाहर लाऊं, वो सोचने में वो इतना व्यस्त है कि कई बार टैलेंट दब जाता है। सो अगर आप खुद कोशिश करोगे, और आजकल मीडिया इतना इजी अवेलेबल है, सोशल मीडिया से लेकर कुछ भी, तो वहाँ पर आप अपने आप को अच्छे से रख सकते हो, एक प्लेटफॉर्म आप बना सकते हो। तो हर आदमी अगर खुद ट्राई करेगा कि चलो मैं कुछ बनाऊँ और अपने हिसाब से उसको डालूँ, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसको सक्सेस मिलेगी। And that's why Unicorn Music Records label yes. है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं यूनिकॉर्न के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये प्लेटफॉर्म बहुत ईजिली अवेलेबल है, आप मेरे साथ कनेक्ट करें, अगर आपको लगता है आप में टैलेंट है तो जस्ट कनेक्ट विद मी, दैट्स इट। मर गई तक तकनी के, मर गई तक तकनी के, मर गई तक तकनी।